गाइस गुड इवनिंग, मिल चुके हैं आपसे हम इवनिंग में। और क्या हो रहा है दिखाते हैं। यहाँ पे हो रही है पढ़ाइयाँ, कल है एग्जाम है ना, तो बड़े सिंपल तरीके से पढ़ाई हो रही है। बड़ी दरवाजा वरवाजा बंद करके क्या बात है। बाबू वहाँ प्रसाद पूरा चीर दिया, मैं किचन में जैसे गई। ए हंस तुम इधर मत, चलो 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 चलो, इधर पढ़ाई हो रहा है ना। तो अभी हमें चलना है किचन में, इन लोग का नाश्ता वगैरह हो चुका है। हंस तुम यही मस्ती करते हो, देखो बाजा बज रहा है, इधर देखो इधर आओ। तो अभी हमें हंस को पकड़ना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए, नहीं तो इनके भूख वगैरह फाड़ देंगे। तो आप हमारे ब्लॉग में ऐसे ही बने रहिएगा। हंस क्या कर रहे हो, आप देख सकते कैसे इनके भूखे सारे छीने जा रहे हैं। चलो चलो उस रूम में। यहाँ पे हमने इनका टीवी लगा दिया, फिर भी ये जा रहे हैं वहां पे, तो मस्ती करने के लिए बहुत ज्यादा इनका दिमाग काम करता है। तो आप बने रहिए हमारे ब्लॉग में, आप मिलते हैं हम आपसे। सो फाइनली हमने ये मटर की बना रही हूँ। क्या बनाऊंगी देख सकते हैं, इतनी मटर है। इसमें हमने दो आलू डाल देंगे और हम ही माँ बेटी हैं तो हो जाएगा हम तीनों को। इसकी बना देंगे हम छोटे छोटे पूड़ियाँ या कचौरियाँ जो भी बना देंगे हम लोग खा लेंगे। यहाँ पे हमने मसाला मटेरियल पूरा रेडी कर रखा है, इसको हम पीसेंगे। और इसमें आलू है, इसको भी निकाल के मसल लेते हैं। फिर मैंने धनिया मंगाया फ्रेश फ्रेश, आप देख सकते हैं। इसको हमको धोना है और पूरा बीनना है, फिर साफ करना है इसको। तो लग रही है हमारे ब्लॉग में, इसको हम कैसे बनाएंगे आपको जरूर बताएंगे। यहाँ पे हमने मेथी डाल दिया है, जीरा डाल दिया, हल्दी पाउडर डाल दिया ताकि एकदम पूरा हल्दी पक जाएगा तो कच्चा कच्चा नहीं। यहाँ पे मैंने इसको वो कर दिया और एक बटाटा डाल दूंगी, बस हो जाएगा हम लोग का। यहाँ पे हमने मसाला भी बना दिया, तो किसी दिन बहुत ज़्यादा भी बनाऊंगी, मतलब सारे लोग रहेंगे, हस्बैंड वगैरह सब रहेंगे, तो मटर मतलब 1 किलो मटर रहेगा तो सबके लिए हो जाएगा अच्छे से। इसमें हम ये मसाला फ्राई करेंगे, उसके बाद उसको भी पीस के उसमें फ्राई करेंगे। तो मेरा मटेरियल बन के रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। मैं इसको ठंडा कर लूँगी, इसमें 10-12 कचौरियाँ हो जाएगी आराम से, थोड़ा थोड़ा भरेंगे। तो मैंने बहुत चटपटे बनाए हुए, मैं हाथ से नहीं मिस करी क्योंकि मेरे हाथ पूरे कट गए हैं गाजर के हलवा बनाने में। पर क्या करें, हाथ कट गए हैं पर मन है कि मानता नहीं, कुछ ना कुछ खाने को मन करता रहता है, इसीलिए बनाना भी पड़ता है। तो एक एक मटर जो है थोड़ी खड़ी खड़ी है, तो मैं उसको चम्मच से रगड़ लूंगी। उसके बाद मैंने आटा गूंथ के रखा हुआ है, तो फूल गया होगा थोड़ा, मैं तेल लगा के इसको और सॉफ्ट कर लूंगी। उसके बाद में फूल गया है, मैंने 1 घंटे का आटा गूंथा हुआ है, पूरा फूल गया है। तो देख सकते हैं मेरे हाथ कितने कटे हुए हैं, देख सकते हैं इधर दिख रहा है, देख सकते हैं इधर देख सकते हैं। तो बस हम बना लेते हैं, दिखाते हैं आपको। कचौरी बन रही है, तो मैं ऐसा गोल वाटी बना के इसमें भर दे रही हूँ, खूब ज्यादा ज्यादा भर रहे हैं। इसको भर के बेल देते हैं छोटा छोटा, इधर आगे करो। तो हमने इधर लोहे के कढ़ाई में तेल डाल दिया, एकदम पतली कढ़ाई है, फटाफट होता है, इसलिए स्लो आंच पे हम पकाएंगे बनाएंगे। ये पैक भी हो चुका है, ऐसी ऐसी हमने पूड़ियाँ बना लेनी है, मतलब कचौड़ियाँ। तो आप देख सकते हैं, हम एक तल के आपको दिखाते हैं।
तो हमने यहाँ पे बेल लिया है और हम इसको तेल में डाल दे रहे हैं। तो यहाँ पे एकदम रेड रेड फूल गए हैं और मैं निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग में पहले तेल में छोटा सा गोली बना के डालते हैं, इसको चढ़ा देते हैं गैस पे। तो हम दूसरी डालेंगे गाइस। तो यहाँ पे खाने भरे इन लोग को बन गया है, चार पांच बन गया है। तो हम गरम गरम इन लोग को निकाल देते हैं। अब देख सकते हैं चार पांच आ गया इसमें, ये आ गया छह। तो गरम ही गरम इन लोग को खिला देते हैं। और ये लोग खाते किससे हैं आप बस को बता देते हैं, ये लोग इसके साथ खाते हैं। तो गरम गरम वाली नहीं दे रहे हैं, जलती जलती एकदम थोड़ा जो नीचे तले थे वो दे रहे हैं। तो चलो ले जा, मेरी गर्मी दिखा दो। हाँ ये डांस करके आ रहे हैं, कौन से गाने पे डांस किया लगता है, नहा के आ रही है, कौन से गाने पे डांस किया, बाल वाल छोड़ के चुड़ैल बन गई, पसीने पसीने हो गई। कौन से गाने पे डांस कर रही है? वो कंचना का बम बोले, बोले। कंचना वाले को बम बोले वाले को। बाप रे बाप। तो यहाँ पे ये खाना स्टार्ट कर दिया, आधा खा भी गई है। और यहाँ पे इसको क्या, इसको तो मत खिलाओ, तीखा होगा ना, तीखा है ना, कैसा बना है ये पूरी? मैंने फर्स्ट टाइम इन लोग के लिए बनाया है ना, मुझे लगता है ये लोग फर्स्ट टाइम खाए हैं, लोग जल्दी खाते नहीं हरी वाली पूड़ी। तो कैसा लग रहा है ये? हरी वाली कचौरी है, वो मटर की है, ललन टॉप। तो ललन टॉप लग रहा है बोल रही हैं। और ये महारानी बैठी हैं सोफे पे ही, क्योंकि इनको लेके बैठी हैं। तो कैसा बना है? तुम तो बोल रही थी मैं नहीं खाऊंगी। खाना पड़ा अच्छा नहीं है क्या? खाना वाना खा के आ चुके हैं, जो कि जो भी बना था आप देख ही होंगे वीडियो में, ब्लॉग में। अब यहाँ पे हम थोड़ा एसी का कर रहे हैं, हवा खा रहे हैं। तो ऐसा कौन है यार जो ठंडी के समय में फुल एसी करके और हवा ले रहा है? आप कमेंट करके बताएंगे। यहाँ पे इतनी गर्मी हो रही है कि क्या बताया। मुंबई में जो जो होंगे उनको पता ही होगा, तो मुंबई में जो जो होंगे उनको तो पता ही होगा कि कितनी गर्मी पड़ रही है, और पता ही नहीं चल रहा है कि ठंड का मौसम है। तो प्लीज अगर हमारे वीडियो जरा सा भी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कमेंट, तो प्लीज अगर हमारी वीडियो जरा सा भी आपको कहीं से भी अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो क्या करना है आपको पता है, बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा, और जो रेड कलर की बटन बना सब्सक्राइब की वो दबा दीजिएगा, और एक कमेंट प्यारा सा करके जाइएगा, और अपने फ्रेंड लोग में शेयर भी कर दीजिएगा। बस इतना करना है यार, पैसा भी नहीं लगने वाला, एकदम फ्री में आप सब कुछ होगा। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। और आप कैसे हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। और हम भी अभी मस्ती हैं, अभी तबीयत को हो गया आराम, तो देख सकते हैं हम एसी खोल के एकदम पूरा हवा खा रहे हैं, देख सकते हैं दिख रहा है दिख रही है। तो एकदम ठंड में ऐसा कौन कौन करता है बताइए। तो यहाँ पे ठंड नहीं है, यहाँ पे बहुत बहुत गर्मी है, तो क्या कर सकते हैं। जब गर्मी होगा तो ठंड हो, या गर्मी हो या बरसात हो, जब गर्मी लगेगी तो ठंड, मतलब ऐसे चालू करना ही पड़ेगा। इसी वजह से सब लोग बीमार हो जा रहे हैं मुंबई में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं नए ब्लॉग में।